अच्छा, जैसे हमने कैटेगरीज को डालना सीखा पोस्ट में, वैसे ही हम टैग्स को सीखेंगे कि टैग्स को हम कैसे पोस्ट में डाल सकते हैं. और दोनों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दोनों का एक डिफरेंट फंक्शन है. तो ये जहन में रखिएगा कि कैटेगरीज सर्व अ डिफरेंट फंक्शन वाइल टैग्स सर्व अ डिफरेंट फंक्शन. इनकी हमें क्या ज़रूरत है, इनको डालना क्यों ज़रूरी है, इनसे हम कैसे अपने कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये जहन में रखिएगा. इस पे ज़्यादा पढ़िएगा, इस पे ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कीजिएगा. टैग्स का जैसे हमने जिक्र किया, टैग्स ये लफ्ज़ आपने सुना होगा या आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सुनेंगे. इट्स जस्ट लाइक नेम टैग. जिस तरह आपका एक आईडी कार्ड इज़ योर नेम टैग, वैसे ही टैग्स आर यूज टू डिफाइन फाइन ट्यून्ड कैटेगरीज को डिफाइन करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं और पोस्ट को ज़्यादा तरह से ऑर्गेनाइज करने में यूज़ कर सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट वे या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टैग से रिलेटेड है वो ये है कि ये सर्च इंजन्स को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में. तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पोस्ट करते हैं जो कि है सियालकोट और फुटबॉल और ब्रजुका के बारे में, आप इस ब्रजुका क्या है, ब्रजुका इज़ द फुटबॉल दैट सियालकोट प्रोड्यूसेस फॉर द फीफा वर्ल्ड कप. अब अगर आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये सारी कैटेगरीज नहीं डाल सकते. इसमें कैटेगरी सिर्फ एक होगी विच विल बी रिलेटेड टू योर मेन वेबसाइट. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट है पाकिस्तान और ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में, तो इसमें जो कैटेगरी है वो होगी सियालकोट. बट इसमें आप डिफरेंट टैग्स डाल सकते हैं. आप ब्रजुका डाल सकते हैं, आप फुटबॉल डाल सकते हैं, आप ग्लोबल डाल सकते हैं, आप सियालकोट भी एज अ टैग डाल सकते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन टैग्स एंड द डिफरेंट बिटवीन कैटेगरीज. ये जहन में रखिएगा, इसको प्लीज़ याद रखिएगा इन केस यू फॉरगेट, कि टैग्स आपको सिर्फ नज़र आएंगे पोस्ट पे और जो कैटेगरीज भी हैं वो आपको सिर्फ नज़र आएंगी पोस्ट पे. पेजेस पे टैग्स और कैटेगरीज का कोई काम नहीं है. लेकिन अगर आप कोई एक स्पेसिफिक प्लगइन यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ करते हुए आप टैग्स और कैटेगरीज को पोस्ट पे डाल सकते हैं. एक और डिफरेंशिएटर जो मुझे जहन में आ रहा है, जो शायद आपको नज़र भी आए जब आप कोई वेबसाइट्स जाके देखेंगे, वो ये कि टैग्स आपको यूजली तौर पे वेबसाइट्स पे सामने नज़र नहीं आएंगे. कैटेगरीज आएंगी, बट मैनी फ्यू वेबसाइट्स ओनली पुट टैग्स इन द फ्रंट. जैसा मैंने कहा कि टैग्स का मकसद है मेरे कंटेंट को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना. सो वी विल गो टू आवर वेबसाइट एंड वी विल सी हाउ वी कैन यूज़ टैग्स टू मेक द कंटेंट मोर ऑर्गेनाइज. मैं अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करूँगा. लॉगिन करने के साथ ही आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट. सो अब मैं पोस्ट क्रिएट करूँगा अपने शहर के बारे में, द सिटी दैट आई लव, द सिटी दैट आई बिलोंग टू. एंड दिस सिटी इज़ द सिटी कॉल्ड इस्लामाबाद, विच इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सो इस सिटी के बारे में आई वुड लाइक टू राइट कि इस्लामाबाद इज़ अ पीसफुल एंड ब्यूटिफुल सिटी. और इससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कॉन्टेंट लिख सकता हूँ. इस्लामाबाद वॉज फाउंडेड इन द 60s. It is a beautiful city. It's also the capital of the Islamic Republic of Pakistan and has really good weather and peaceful environment. Aur isse related main Islamabad ki ek picture search karunga just to make it more beautiful. So I'll search for a picture of Islamabad and let's see what I find. So I like this picture. But I like this picture more. Okay, chode. Ye ek metro ki picture utha lete hain jo mujhe zyada achhi lagti hai. Aur isko hum save karte hain. Yaad rakhiyega, ye main aapko sirf example de raha hu. Images
may be subject to copyright. Yahan pe likha hua bhi hai. So it's important to see ki kaun se images hain jin pe copyright apply hota hai. So maine image save kar liya hai. I will set this featured image, upload karke. और अब आप देख रहे हैं दिस ब्यूटीफुल इमेज हैज़ बीन सेट एज माई फीचर्ड इमेज. ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा इस्लामाबाद क्योंकि कैटेगरी ऑलरेडी बनी हुई है. एंड आई विल क्लिक दिस पब्लिश. जैसे मैंने पब्लिश क्लिक किया मैं अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि इस्लामाबाद की ये ब्यूटीफुल पिक्चर कैटेगरी भी इस्लामाबाद टैग हो गई है. कॉन्टेंट भी आ गया. फाइन ट्यून नहीं है कॉन्टेंट. इफ़ समबडी वॉज टू फाइंड और इफ समबडी वॉज टू कम टू माई वेबसाइट एंड फाइंड कॉन्टेंट थ्रू टैग्स तो वो नहीं सर्च कर सकता. सो आई एम गोइंग टू एड अ फीचर कॉल्ड टैग्स. तो यहाँ पे मैं कुछ टैग्स डालूंगा. सो आई कैन सर्च और आई कैन एड सिटी और कॉमा से आप टैग्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू क्लिक अ कॉमा एंड आई कैन एड अ टैग कॉल्ड ब्यूटिफुल. आई कैन एड अ टैग कॉल्ड पाकिस्तान और कैपिटल. I can also add a tag called Islamabad. इस तरह से I've added different tags. और ये tags आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं कि अब add हो गए. इनके साथ एक X का निशान है जिससे अगर मैं कोई tag remove करना चाहूँ, for example beautiful, I can just remove them and I can just click on update. जैसे ही मैंने इस content को save किया and whenever I go to my website, तो now you can see tags have been added. This is a way of using tags to make your content more understandable and easy to navigate. So ye apne zehen mein yaad rakhiyega. This is how content really works using tags, and tags can be used to fine tune content and make your content more searchable.